आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं ये एक चंचलम एरिया डिवीज़न एमएलए याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है आज एक जो है नाले के पास जो है दो ट्रांसफार्मर बिठाए थे, तो ये लाइट वालों की गलती बताना या जीएचएमसी वालों की गलती बताना, जो पब्लिक का जो टैक्स का पैसा जो पब्लिक से बिलिंग ली जाती है, आज एक ऐसे जो है नाले के बाजू में जो है ये ट्रांसफार्मर बिठाया गया था जो थोड़ी देर पहले कुछ देर पहले यहाँ पर गिर गया। अभी आए हैं लाइट के लाइट वाले एई वगैरह आके जो है कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ पर अभी तक भी जो है कोई कॉर्पोरेटर या कोई जो है एमएलए यहाँ नहीं आए हैं। देखना ये है कि जो है लास्ट ईयर जो पानी आया था तो जब जो है केटीआर साहब आए थे, आईएएस अरविंद साहब आए थे, और फिर आज जब बारिश हो रही तो जब फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो है पूरे जो है नालों के ताल्लुक से, और कल भी देखा गया कि जो है फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कमिश्नर जीएचएमसी से जाकर जो है नुमाइंदगी करते हैं कि चंद्रान गुट्टे के जो है और दो फ्लाईओवर होना और जो है नालों के वास्ते। तो फिर आखिर जो है जब टाइम मिलता है, एक साल के अंदर हो गया जब करोड़ों रुपए जो है सैंक्शन हुए, लेकिन आज तक भी जो है वो कामों को जो है पेंडिंग रखा गया, फिर बारिश में नुकसानात होते हैं, उसके बाद जो है जब काम किया जाता है तो आखिर इसके ज़िम्मेदार कौन है? केटीआर साहब, केसीआर साहब? असेंबली अभी चल रही है, अभी जो है फिर मंडे से असेंबली है, 12-13 को असेंबली है, इसके जवाबदेही कौन है? अवाम अगर बिल नहीं बनती है तो जो है वहाँ पर लाइट के बिल काटे जाते हैं, घरों के जो है बिल काट दी जाती है, और जब जो है ऐसे ऑफिसर नाहिल और जो है विदाउट फ्यूचर प्लान के अगर वहाँ पर नाले के बाजू वहाँ पर जो है जो ज़मीन बिल्कुल अच्छी नहीं है और क्या डीप आप देखकर डाले हैं, इसका जो है लैक्स ऑफ रुपीज़ जो है अभी कुछ एक ट्रांसफार्मर डैमेज हुआ बोल के बताया गया है, तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? ऐसे ऑफिसर्स को जो है सस्पेंड करना चाहिए, और जो पहले खर्चा करने से पहले वो जगह कैसी है देखना चाहिए, वहाँ पर छोटे बच्चे वगैरह आते जाते, नाले में अगर गिर गई है लाइन, गिर गई ट्रांसफार्मर गिर गया, इसके ज़िम्मेदार कौन है? और नालों का भी आप देखिए, बारिश जो है तकरीबन एक हफ्ते से जो है शहर में पानी पड़ रहा है, हफ्ता 10 दिन से, तो शहर के हालात क्या है? तो जब ऐसे हालात होते हैं तो फ्लोर लीडर भी निकलते, एमएलए भी निकलते, कारपोरेटर भी निकलते, फिर जब टाइम मिलता है तो जब जो है आराम की नींद सोते हैं, केसीआर साहब आने वाले वक्त में इलेक्शन है, फिर आप जो है जब डेवलपमेंट डेवलपमेंट तो बता रहे हैं पूरे शहर में, तो ओल्ड सिटी कहाँ पर जो है डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, आप जो है इसको जो है असेंबली में जवाब देना है, देखना चाहिए कि यहाँ पर जो है कौन जिम्मेदार है, कहाँ पर है, करोड़ों रुपए जो है लग रहे हैं, ड्रेनेज का मतलब पानी जाना, वाटर लाइन का मतलब पानी आना, लेकिन यहाँ पर तो जो है सिर्फ ड्रेनेज का मतलब जो है घरों में रिटर्न पानी घुसता है, 1 घंटे की बारिश, 1.5 घंटे की बारिश होती, फिर बराबर जो है वहाँ पर जो है पूरा जो है स्विमिंग पूल बन जाता है, गंडी पेट पूरा पानी भर के जो है दरवाजे खोल दिए जा रहे हैं, पानी का कोई जो है स्टोर नहीं किया जा रहा है। तो हम हमारे चैनल के ज़रिए केसीआर साहब को और केटीआर साहब को ये जो है बताना चाह रहे हैं कि साहब लाखों रुपए जो है ट्रांसफार्मर कितने लाख्स ऑफ रुपीज़ का होता, वहाँ पर कौन दिए थे, प्लानिंग कौन करे, किस तरीके से जो है नाले के बाजू, आज नाले के बाजू गिर गया, अगर वहाँ पर लाइन चालू हो जा रही है और कुछ बड़ा इंसिडेंस हो जाता तो कौन जिम्मेदार होते? आइए देखते हैं हमारे चैनल के ज़रिए रिपोर्ट।